हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव माइंड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मल्टीपर्पज़ यूज़ बैग। मैंने इसे नाम दिया है लंच बॉक्स बैग का, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्पेस वैसा रखा है। आप इसको मल्टी यूज़ के तौर पे भी ले सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप ले सकते हैं। नीचे आप इसकी चौड़ाई देख सकते हैं, ऊपर हमने एक यूनिक डिज़ाइन फ्रिल की डिज़ाइन दी है। आज तक मेरे वीडियो में कभी भी आपने इस टाइप की डिज़ाइन नहीं देखी होगी, और आई थिंक आपने अभी तक यूट्यूब पर भी इस टाइप की डिज़ाइन नहीं देखी होगी। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है, कहीं पर भी अगर आप लेके जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपकी बैग को ही देखते रहेंगे, इतनी प्यारी ये बैग है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। इसे बनाने के लिए मैंने एक पीस को क्विल्ट करके रखा है, जिसमें मैंने बीच में फोम शीट का इस्तेमाल किया है। ऊपर मेन फैब्रिक है और नीचे नॉन वूवन का कपड़ा है। इसकी जो लंबाई रहेगी वो है 18.5 इंच, आप 18 तक भी रख सकते हैं, और इसकी चौड़ाई है 14 इंच। तो इसे मैंने क्विल्ट करके रखा है। इसके अंदर आप कॉटन का कपड़ा यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक सिल्क का कपड़ा लिया है, जिसको मैंने लंबी पट्टी जैसा काट लिया है। इसकी लंबाई का कोई अंदाज़ा नहीं है, मैंने ऐसे ही इसको रैंडमली काटा है, लेकिन इसकी चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है। हमें इसकी फ्रिल बनानी है, तो फ्रिल बनाने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग पर्स की जो भी साइज़ हो उससे ज़्यादा ही काटिएगा, डबल काटिएगा, ताकि आप बीच में उसको फ्रिल ले सकें। अब इसको इस तरह से सीधे में फोल्ड करेंगे, हाफ फोल्ड करके इसको कोने से एक पैर का दाब देते हुए, यानी एक पैर की सिलाई हमें इस पर कर लेनी है। तो इस पर और इस पर, इन दोनों पे मैं पहले एक पैर की सिलाई करके इसको रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसे रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। सीधे में ही इसको फोल्ड करके करना है। अब इसके अलावा मैंने दो स्ट्रैप तैयार किए हैं, यानी इसके जो पट्टे हैं वो भी मैंने तैयार करके रखे थे। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ इसको दोनों साइड से फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड कर दिया था। इसकी चौड़ाई 1 इंच है, और इसकी लंबाई जो रहेगी वो रहेगी 18 से थोड़ी ज़्यादा, 18.25 है। आप 18 तक भी रख सकते हैं या उससे कम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको लेंगे, और उसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई से इसको हम नापेंगे और इसको आधा करेंगे। तो टेप को रख के आप इसको हाफ फोल्ड करेंगे तो आपका बराबर सेंटर मार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी सेंटर मार्किंग कर ली है। अभी हमें स्ट्रैप्स जो इसके ऊपर अटैच करने हैं, इसलिए यहाँ पे हमने सेंटर मार्किंग की है। सेंटर मार्क से दोनों साइड 3.5 इंच, यानी 3.5 इंच एक तरफ और 3.5 इंच एक तरफ, ऐसे हमें मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ जो 3.5 इंच की दूरी पर हमने मार्किंग की है, वहाँ पर हमें स्ट्रैप को अटैच करना है। तो जो स्ट्रैप हमने तैयार करके रखे थे उसे अंदर की तरफ रखेंगे, और इस तरह से कोने पे रखते हुए अच्छे से इसको सिलाई करके अटैच कर लेंगे। दोनों साइड हमें दोनों स्ट्रैप को इसी तरह से अटैच कर लेना है। तो मैंने दोनों स्ट्रैप्स को अटैच कर लिया है अच्छे से, और 2-3 सिलाई कर लीजिएगा ताकि मजबूती रहे। अब हमने जो सिल्क की पट्टी तैयार की थी उसको लेंगे, और थोड़ा सा शुरुआत से लेके पट्टे की शुरुआत तक हमें वहाँ तक प्लेन स्टिच करना है, उसके बाद फ्रिल बनाना स्टार्ट करना है। तो जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही हमें फ्रिल बनाना है, दूसरे स्ट्रैप के छोर तक बनाना है, उसके बाद थोड़ा सा हमें प्लेन छोड़ देना है। तो दोनों साइड थोड़ा थोड़ा प्लेन रहेगा, सिर्फ बीच में ही हमें फ्रिल्स लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, और इसका कलर कॉम्बिनेशन मैंने बहुत ही अच्छा पसंद किया था, मुझे खुद को विश्वास नहीं था कि ये इतना प्यारा दिखेगा। अब मैंने एक वाइट कलर की चेन ली है, और उसे उल्टा रखेंगे और स्टिच करके अटैच करेंगे। दोनों साइड इसी तरह से जिप को रखते हुए अच्छे से हम अटैच करेंगे। फिर इसको सीधा करना है, पलटी करना है। पलटी करते टाइम ध्यान रखिएगा कि हमारे जो फ्रिल है वो सीधी हो जाएगी, उसके साथ में जो हमारा पट्टा है यानी जो स्ट्रैप है वो भी सीधा हो जाएगा, और उसके नीचे से हमें इसको प्रेस स्टिच करना है। दोनों साइड मैंने प्रेस स्टिच कर लिया था, उसके बाद मैंने रनर भी डाल दिया है। रनर डालने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसमें हमारी जो जिप है वो अच्छे से छुप जाती है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन दिखती है ये। और अब इसको हमें पलटी कर लेना है। तो एक्स्ट्रा धागे वगैरह जो भी है या एक्स्ट्रा जिप वगैरह है वो आप चाहे तो अभी से काट सकते हैं। मैंने अभी फ़िलहाल इसे नहीं काटा है, पहले मैं इसे आगे का प्रोसेस करने के बाद काटूंगी लास्ट में। अब देखिए इसे पलटी कर लिया है। पलटी करने के बाद हमें इसका सेंटर निकालना है। तो जिप से पकड़ते हुए पहले इस तरह से अच्छे से इसको पलटी कर लेना है। अब जिप से पकड़ते हुए सीधा करने के बाद इसका सेंटर मार्क करना है। मैंने कोशिश की है फ्रेंड्स कि बहुत ही आसान तरीके से और फटाफट आपको सिखा सकूं, ताकि ज़्यादा बोर ना हो, लंबा वीडियो ना हो। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमने सेंटर मार्किंग कर ली है। अब जिप को इस सेंटर मार्किंग के बराबर ऊपर रखना है। यहाँ पे दोनों जो हमारी सिल्क की पट्टियाँ हैं उसे दोनों हिस्सों में बराबर रखते हुए और जिप को बराबर सेंटर मार्क पर रखना है इस तरह से। और रखने के बाद हमें यहाँ पर पिनअप कर लेना है ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं।
अब यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि कुछ इस तरह से करना है, लेकिन ऐसे पकड़ के नहीं होगा। तो हमें पहले इसके ऊपर बराबर इसको सेंटर पे रखते हुए पिनअप कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे पिनअप कर रही हूँ, आप भी एक बार पिनअप कर लीजिएगा ताकि आपका जो सेंटर है वो आगे पीछे ना हो जाए। और सिल्क की जो दोनों पट्टियाँ हमने इस पे लगाई है, उसे दोनों हिस्सों में बराबर रखना है। एक पट्टी एक तरफ और दूसरी पट्टी दूसरी तरफ जाएगी। और अब देखिए, यहाँ पे इसको इस तरह से पकड़ना है। सेंटर में हमने एक यहाँ पे पिन लगा दी, और एक पिन मैं लगा देती हूँ बराबर ज़िप के ऊपर। अब ये सेंटर अपना नहीं हिलेगा, सेंटर अपनी जगह रहेगा। यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है, और फिर इसके ऊपर हमें सिलाई करनी है। दोनों साइड से इसी तरह से हमें फोल्ड करना है। ये अंदर की तरफ हमें इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करके इस तरह से सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड इसी तरह से हमें फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें और कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। अगर आप ऊपर सिर्फ ये फ्रिल्स का आइडिया लेके, नीचे से आप पर्स किसी और डिज़ाइन का या किसी और पैटर्न का भी बना सकते हैं। यहाँ पे दोनों साइड सिलाई करने के बाद देखिए, कुछ इस तरह से एनवलप जैसा बन जाता है। और यहाँ पे मैंने सिल्क के कपड़े से ही इसके पाइपिंग भी कर ली थी, ताकि इसकी जो सिलाई और धागे हैं वो भी छुप जाए। अब इसको हम सीधा करेंगे, ज़िप को खोल लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो अच्छे से इसके कोने निकालेंगे और इसको सीधा करेंगे। ये फोल्ड करने से क्या होगा कि ये लंच बॉक्स बैग जो होती है वैसा बन जाएगा, ज़्यादा गहरा नहीं बनेगा। अगर आप इसको इस तरह से नहीं जोड़ते हैं, और बाकी मैंने जितने भी तरीके दिखाए हैं पर्स बनाने के, वैसे में कुछ भी अगर आप उसी आइडिया को लेकर जोड़ते हैं तो नॉर्मल पर्स बन जाएगा आपका। तो तैयार है हमारा मल्टी यूजेस बैग। देखिए काफ़ी खूबसूरत ये दिख रहा है, अंदर स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, एक बड़ा लंच बॉक्स भी इसके अंदर आ सकता है, उतना बड़ा है। आप बच्चों को भी ये बना के दे सकते हैं, तो स्कूल में भी सब आपकी तारीफ़ करेंगे, बच्चे की तारीफ़ करेंगे। या आप अगर ऑफिस जाती हैं तो आप भी इसे लेकर जा सकती हैं, कहीं बाहर जा रही हैं तो भी इसे लेकर आप जा सकती हैं, कैरी कर सकती हैं। सिर्फ लंच बॉक्स के लिए नहीं, कुछ और चीज़ें भी आप इसमें रख के लेके जा सकती हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, एक अच्छा सा कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।